कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ और मोदी ने मिलकर इमरान खान का फोन हैक करने की कोशिश की। जो मोदी है उसको उसकी औकात अच्छी तरह से याद दिला दी गई कि ये है मोदी की औकात। शरीफ और मोदी ने मिलकर इमरान खान का फोन हैक करने की कोशिश की। सबको पता है कि माजी में किस तरह के ताल्लुकात थे नवाज शरीफ और मोदी के दरमियान। अब नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क में भी दबाव का सामना है, ये इंटरनेशनल स्टोरी है, यानी जिस तरह पनामा लीक्स आया दुनिया में छापी गई है कहानी, इसी तरह से विकी लीक्स थी वो कहानी, बल्कि लोग ये कह रहे हैं, वही साफी जो इस तरह की खबरें ब्रेक करते हैं वो कहते हैं कि ये इस सदी की बड़ी स्टोरी इसको करार दिया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग ही चीज चल रहा है कि पीएम मोदी ने इमरान खान का फोन हैक कर लिया है। इजरायली हैकिंग सॉफ्टवेयर इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ नंबर्स में एक वजीर आजम इमरान खान के जेरे इस्तेमाल भी था। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सॉफ्टवेयर जब इस्तेमाल हुआ इमरान खान वजीर आजम नहीं थे। जराय का कहना है कि फोन हैक होने के इंकशाफ पर आला अस्करी और सिविल क़यादत की बैठक हुई। वज़रा समेत सरकारी अफसरान के लिए व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन लाने पर मुशावरत की जा रही है। ये चीज को पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल नहीं बता रहा है बल्कि ये पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल का ब्रेकिंग न्यूज है। अहम खबर दें आपको, अमरीकी अखबार का बताना है कि जासूसी के इसराइली निज़ाम से पाकिस्तान समेत कई ममालिक की शख्सियात के फोन हैक किए गए। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया है कि वज़ीरे आज़म इमरान खान का पुराना नंबर भी हैक करने की कोशिश की गई थी। कुछ भी भारत में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी के फोन की भी हैकिंग की गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय हुकूमत के पास जासूसी निगरानी और डिकोड करने की सलाहियत है। भारत में इसराइली जासूसी निज़ाम पेगासस के जरिए हैकिंग की जाती है। भारत समेत 10 ममालिक इसराइली कंपनी के क्लाइंट हैं, यह भी बताया गया है अमरीकी अखबार की जानिब से इंकशाफ किया गया है। साथ ही साथ बरतानवी मीडिया का बताना है कि इसराइली कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर की मदद से दुनिया भर में कम अज कम 50,000 अफराद की मुबैना जासूसी की गई। ठीक है, मोदी जी ने पाकिस्तान का पीएम इमरान खान का फोन हैक किया, इस पे इस पाकिस्तानी मीडिया का क्या बकवास डिबेट है, इस सब को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले इस मोहतरमा का एक क्लिप देख लीजिए। कि ख्वाब देख रहा है बल्कि बड़ी गंदी साजिशें कर रहा है वो। हिंदुस्तान अब ये समझ रहा है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ कबूतर के जरिए जासूसी करवा रहा है। अच्छा, कभी पाकिस्तानी गुब्बारे से हिंदुस्तान डर जाता है, कभी कबूतर से। इतना बुजदिल है, इतना दिल है मोदी सरकार का शाइनिंग इंडिया कि अभी पाकिस्तान ने कुछ किया भी नहीं लेकिन हालत पहले ख़राब हो जाती है इन लोगों की। इतना डरते हैं पाकिस्तान से। भारत ने बराह रास्त जंग करके भी देख ली लेकिन हर बार क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी इन्हें। और इसीलिए ये जो प्रॉक्सी वार है इसका अब सहारा लिया जा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ क्या करने वाला है। अब ये बात भी सामने आई है क्योंकि नंबर सामने आए, 50,000 ऐसे फोन नंबर्स हैं कि जिनकी हैकिंग की गई। और इसमें सबसे बड़ा जो स्कैंडल सामने आया वो भारतीय हुकूमत का आया है। भारत में अपोजिशन रहनुमा इस बारे में कह रहे हैं कि जनाब आपने साफियों को नहीं बख्शा, लीडर्स को नहीं बख्शा, तो ये गद्दारी की है नरेंद्र मोदी ने। अब ये इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ा हसास है, कहा जा रहा है कि इमरान खान समेत काबीना के अरकान हैं जिनके फोन इस तरह से हैक करने की कोशिश की गई है और इस मामले को अब इंटरनेशनली उठाया जाएगा। अच्छा, तो अब पाकिस्तान इस मुद्दा को इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनली उठाने वाला है। बाबा डोगर साहब, अब ये अगर तो आप कहें कि जी अब वही बात आ जाती है जिस तरह हम देखते हैं जी कश्मीर का मामला, तो जी 1.25 अरब की आबादी है, अब बीजेपी की हुकूमत को कोई तंग कैसे करेगा, वो इसी जोन में होते हैं कि हम तो किसी से ताल्लुकात ही बंद कर देंगे, हम तो मलेशिया अगर आवाज़ उठाता है तो उससे तेल की दरामद बंद कर देते हैं, उसको अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, तो हम किसी को भी हिला के रख सकते हैं। लेकिन ये तो बड़ा एम्बैरसिंग है कि आप अगर, ये तो कोई इजाजत नहीं देता कि जनाब आप किसी और मुल्क के सरबराह का या किसी पॉलिटिशियन का या साफियों का, आप साफी तंजीमें सारी इस पर आवाज़ उठा रही हैं, उनके फोन आप देख रहे हैं, कर रहे हैं सारा कुछ। और ये खास तौर पर इमरान खान साहब जो मामला है क्योंकि ये कम अज कम एक फोन उनका अब तक ये साबित हुआ है, क्योंकि जितने नंबर आए उनमें अभी तक तो ये है। कुछ भी इंटरनेशनली इस पर कोई बात हो सकती है, कहा तो जा रहा है हम ये मामला उठाएंगे, इसका कोई फायदा होगा। देखिए उसामा साहब, किसी का फोन हैक करना और किसी स्टेट की जानिब से इस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर का फोन हैक करना, ये कुछ जुर्म है, ये क्रिमिनल एक्ट है किसी भी स्टेट पे। तो मेरा तो ख्याल है कि ये फैटअप में भी लेके जाना चाहिए कि ये भारत क्या ऊंची हरकतें कर रहा है।
कि ये जनाब और ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि इसराइली कंपनी है और इमरान खान का नंबर जो है पाकिस्तान ने दिया, ये इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि जनाब जो नंबर्स आए हैं 55,000 उसमें से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का भी नंबर था और फिर ये भी स्टोरी सामने आई कि ना इंडियन गवर्नमेंट जो थी उस सॉफ्टवेयर के जरिए से इसराइली जो कंपनी थी उसके सॉफ्टवेयर के जरिए से इमरान खान का फ़ोन हैक कर रही थी। मतलब कुछ भी, मोदी ने इमरान खान का फ़ोन तब हैक किया जब इमरान खान पीएम नहीं थे पाकिस्तान के, मतलब कुछ भी चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। तो ये तो एक बड़ा सीरियस इशू है, बड़ा सीरियस है, इसको पाकिस्तान को सीरियसली टेकअप करना चाहिए, यूएनओ के साथ टेकअप करना चाहिए, फेडअप में टेकअप करना चाहिए, सारे बड़े इदारों में टेकअप करना चाहिए कि इंडिया कौन सी किस तरह की ऊंची हरकतें कर रहा है, किस तरह की घटिया हरकतें कर रहा है और किस हद तक ये नीचे गिरी हुई है मोदी की गवर्नमेंट कि ये कहाँ तक पहुंची हुई है। अब ये पाकिस्तानी मीडिया सही चीज पकड़ के सही चीज बता रहा है। इमरान खान साहब एक अपोजिशन लीडर थे, उसने टाइम फ्रेम नहीं बताया, उनका फोन टेप करने का उन्हें फायदा क्या था मुझे ये बताएं। लेकिन रिपोर्ट में नाम तो आया है भट्टी साहब। यार रिपोर्ट में तो मेरा भी नाम आ जाए। और आई एम श्योर वो एंकर इमरान खान का नहीं आया, वजीर आजम का ही आया जिस वक्त वजीर आजम। मैं अर्थ करने लगूं, आज से 2003 अल्लाह जन्नत नसीब करे जवाद नजीर मेरे एडिटर थे जी जी। एफबीआर ने अमेरिका न्यूयॉर्क ने एक खबर शाया की कि अब एफबीआर ने लिस्ट जारी की 52 लोगों की जो अमेरिका में दहशतगर्दी की गरज से आए हैं। ठीक है, मैं हर जवाद साहब ने कहा चेक करो, उस दिन स्टोरी नहीं थी, मैं अचानक चले गया एक जगह। सही है, उधर मुझे एक बंदे ने कहा यार ये अखबार वाले आप लोग कितने झूठे हैं। मैं कह यार हाँ हम है ही झूठे, आजकल भी हुकूमत हमें झूठे ही कहती है क्योंकि हाँ। सच्चा तो सिर्फ एक ही है इस वक्त मौलाना हक सच। तो मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कहता ये तस्वीर छपी है इस बंदे की कि ये अमेरिका में दहशत गर्दी की गरज से दाखिल हो गया, ये तो फला सुनहरा है। वसीम बदामी सब मैं उसी वक्त उस सुनहरे के पास गया। अच्छा, वो मुझे मिल गया सेम वही। अब मैं 10 दफा नवाए वक्त अखबार देखूं और उसे देखूं, एपी की स्टोरी थी, एफबीआर ने जारी की थी, मैं बार बार उसको देखूं। तो आपके ख्याल में ऐसा हुआ ही नहीं, आपके ख्याल में मिस इन्फॉर्मेशन है, ये गलत है, इमरान खान का नाम गलत है, ये हुआ ही नहीं है। नहीं नहीं, ये पॉसिबल हुई हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अमूमन गवर्नमेंट अगर करवाती है अपने मुखालफिन का कराती है, चारों इस एआरवाई की स्क्रीन पे बैठे हैं इमरान खान साहब, मदर साहब, वसीम दामे साहब, मैं बता दूं आजकल इन्हें और काम ही कोई नहीं है सिवाय हमारे पीछे लगने के। यार खुदा का वास्ता जा रहे हैं, उधर अफगानिस्तान में जंग हो रही है, अमेरिका ऊपर चढ़ा हुआ है, चीन दासू में वो हो गया, आप सारी दिन मैं किसको मिल रहा हूँ, ये किसको नहीं। तो आपकी राय इस सवाल से नहीं, इमरान खान साहब से मुतलिक है, क्योंकि सवाल तो वो भी इमरान खान भी यही उठा रहे हैं जो एंकर इमरान खान, जो तज़ियाकार इमरान खान बैठे हमारे साथ, कि भाई लॉजिकली तो अगर इंडिया ये काम करा रहा है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वजीर आजम या अहदेदारों के खिलाफ कराना चाहिए था, वो करवा रहा है इमरान खान के खिलाफ, तो इसलिए ये मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब और मोदी के ताल्लुक अच्छे हैं तो उनके जरिए नवाज शरीफ साहब ने काम करा। आपके ख्याल में ये जरा दूर की कौड़ी है, ये जरा बहुत ही फार फेस्ट है आपके ख्याल में? मतलब इस पाकिस्तानी मीडिया के पास कोई काम ना हो तो ये मोदी मोदी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ जो ये कहा जा रहा है कि जी के मोदी और नवाज शरीफ की यारी है और नवाज शरीफ जो थे, मेरी कोई पीएमएलएन के साथ लव लॉस नहीं है, लेकिन यहाँ तो इनके पास एविडेंस है तो इस तरह की बात करें, बगैर एविडेंस के ये कह देना कि जी नवाज शरीफ जो है उसको वो हैक करवा रहा है इमरान खान के नंबर, मुझे एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, पता कि नवाज शरीफ का अपना फोन भी हैक हो रहा हो। कुछ भी उस वक्त नहीं, 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 नहीं सर, मेरा एक आज फरूख बबीर साहब ने एक और उससे भी आगे चले गए, उन्होंने कहा जी इमरान जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी इनका फोन हैक करवाया जाता था, तो ये उस वक्त शोर मचाते, उस वक्त बात करते, अब इनको याद आया कि इमरान खान का फोन जो है वो नवाज शरीफ हैक करवा रहा था, या तो कोई इसका सबूत दें, जिस तरह से जो ये जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं, न्यूयॉर्क टाइम है, वाशिंगटन पोस्ट है, उसके बाद फ्रांस टीवी है, वो एविडेंस के साथ बात कर। तो जय हिंद दोस्तों, यदि आपको और भी जानना है कि पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।